हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एमसीक्यू का फोर्थ वीडियो लेक्चर है। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं किए हैं एमसीक्यूज तो उनको कर लीजिए। जो पैरेलल में सीरीज चल रही है उसको भी करिए। और इसमें न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल दोनों तरह के क्वेश्चन हैं, तो करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। As an object approaches the speed of light, its mass becomes zero, double, remains same, infinite. Time starts now. और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और स्पीड बताया है पार्ट ऑब्जेक्ट का, मास बताना है, वेरिएशन ऑफ मास का क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। आज इसी फॉर्मूले पे कई न्यूमेरिकल्स हैं, तो जैसे ही आप v को c के बराबर रखेंगे तो m जो है इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यस, करेक्ट ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इफ द सन रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 4 × 10⁻²⁶ जूल पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ एट विच मास इज डिक्रीजिंग? 5.54 × 10⁹ केजी पर सेकेंड, 4.44 × 10⁹ केजी पर सेकेंड, 3.44 × 10⁹ केजी पर सेकेंड, 2.44 × 10⁹ केजी पर सेकेंड। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डेल्टा एम पूछा है, तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रेट दिया है तो मास का भी हम रेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर से हमने ये करा। यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, वैल्यूज रख के आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, 4.44 × 10⁹ के जी पर सेकेंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फॉर आइंस्टाइन रिलेशन ई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वेयर, एम नॉट स्क्वेयर सी टू पावर 4, एम नॉट स्क्वेयर सी टू पावर 4, एम नॉट स्क्वेयर सी टू पावर 6। और टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये रिलेशन वैसे तो आप ड्राइव भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको ऑलरेडी इसको याद करा रखा है ड्राइव करा के, और हमने कई जगह उसको यूज भी किया है। तो यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। और हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रख लेते हैं, ई स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी टू पावर 4। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी फॉर्मूले पे आए हुए हैं, तो उनमें से एक यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन हुज वेट इज 60 kg ऑन अर्थ वेट 61 kg ऑन रॉकेट एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रॉकेट? ऑप्शन है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.5 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, 5.5 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड एंड 5.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमें पता है कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये करेक्ट है ही नहीं जो इसका आंसर है। बट फिर भी क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? एम नॉट गिवन है, एम गिवन है, वेरिएशन ऑफ मास का ये क्वेश्चन है। एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² बाई सी स्क्वेयर। एम नॉट की वैल्यू और एम की वैल्यूज आप रखेंगे और सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर, तो भी कैलकुलेट कर लेंगे जो आएगा 5.5 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज, द मोमेंटम ऑफ फोटोन हैव एन एनर्जी 1.00 × 10⁻¹⁷ जूल इज 2.33 × 10⁻²⁶ के जी मीटर पर सेकेंड, 3.33 × 10⁻²⁶ के जी मीटर पर सेकेंड, 4.33 × 10⁻²⁶ मीटर पर सेकेंड एंड 5.33 × 10⁻²⁶ के जी मीटर पर सेकेंड। टाइम स्टार्ट नाउ। और इसको करना स्टार्ट करिए, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। और कैसे करा हमने, हमें पता है ई इक्वल टू पी सी, तो पी इक्वल टू
ई बाय सी, पी गिवन, ई गिवन है, सी की वैल्यू आपको पता ही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वैल्यूज पुट करिए और फोटोन का मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम फोटोन के लिए ये केस है इक्वल टू पी सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो आज का क्वेश्चन है ये वाला, अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट शुड बी हैवीएस्ट। ऑप्शंस हैं ए बी सी एंड डी। पता लग रहा है आपको वेरिएशन ऑफ मास का क्वेश्चन है। एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर फॉर्मूला यूज होना है। सबके लिए एम कैलकुलेट करेंगे, पार्टिकल ए के लिए एम कैलकुलेट करेंगे, पार्टिकल बी के लिए एम कैलकुलेट करेंगे, पार्टिकल सी के लिए एंड डी के लिए, और देखेंगे इसमें किसका मास ज़्यादा आता है, वेरिएशन ऑफ मास में वेरिंग मास किसका ज़्यादा है। तो यस, करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, 3 times कुछ करके आता है। वेलोसिटी भले ही कम हो बट रेस्ट मास ज़्यादा होने की वजह से इसका वेरिंग मास ज़्यादा आता है। तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल विद अ लाइफ टाइम 2 × 10⁻⁶ सेकेंड थ्रू अ लेबोरेटरी विद थ्रू द लेबोरेटरी विद अ स्पीड ऑफ 0.9 c, इट्स लाइफ टाइम एज मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर इन अ लेबोरेटरी 2 × 10⁻⁶ सेकेंड, 3.2 × 10⁻⁶ सेकेंड, 4.4 × 10⁻⁶ सेकेंड एंड 5.4 × 10⁻⁶ सेकेंड। टाइम स्टार्ट्स नाउ, और समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन टाइम डायलेशन का क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। डेल्टा टी नॉट गिवन है, वी गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे डेल्टा टी आ जाएगा जो कि 4.6 × 10⁻⁶ सेकेंड आता है। क्वेश्चन है ऑल द गिवन पार्टिकल हैव अ लाइफ टाइम 1 microsecond, विच ऑफ देम विल सर्वाइव लॉन्गेस्ट, ए बी एंड सी और डी। ठीक है, इन चारों में कौन सा पार्टिकल ज़्यादा सर्वाइव करेगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो आप यहाँ पे आपको चारों पार्टिकल्स दिख रहे हैं, सबकी वेलोसिटी दिख रही है, सबका जो डेल्टा टी नॉट है वो सेम है, तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट हो गया डेल्टा टी, और डेल्टा टी इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला है डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। जितना ज़्यादा वी होगा उतना डेल्टा टी कम होगा, तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी सी पार्टिकल की है, तो इसलिए लॉन्गेस्ट टाइम इंटरवल सी पार्टिकल का होगा। कैलकुलेट भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक थ्योरम प्रिंसिपल यूज टू ऑब्टेन मास एनर्जी रिलेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी थ्योरम, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ एंड मैक्सवेल थ्योरम। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बेसिक थ्योरम प्रिंसिपल यूज इन मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन में हम कौन सा यूज करते हैं? यस, वर्क एनर्जी थ्योरम इज अ बेसिक प्रिंसिपल। वर्क और एनर्जी निकालते हैं हम वहाँ पे, और क्या होती है, इट स्टेट दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी फ्रॉम द रेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, ई के इक्वल टू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर, एंड लास्ट ई के इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो वैसे तो ये सबको पता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये एक्सप्रेशन टोटल एनर्जी का है, ये एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का है। तो यस, करेक्ट ऑप्शन आप सबने सही समझा है कि बी ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर पेयर प्रोडक्शन टू ऑकर द फोटोन मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.51 MeV, 1.02 MeV, 0.32 MeV और 0.585 MeV। टाइम स्टार्ट हो चुका है और आपको सही आंसर इसका बताना है। तो यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, और उसका रीज़न ये है कि एम नॉट
सी स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5 MeV होता है। पेयर प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनता है, तो इन दोनों की जब कंबाइन एनर्जी होगी तो 1.0, इतनी एनर्जी तो चाहिए ही, फोटोन को इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो मस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इन पेयर प्रोडक्शन अ प्रोटॉन विद एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.02 MeV इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। 1.02 MeV इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द दिस क्रिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोमेंटम एनर्जी रिलेशन। ई स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ई स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी टू पावर फोर। ई स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी क्यू। और एम ई स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वेयर। टाइम स्टार्ट हो चुका है और ये क्वेश्चन तो आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि ये शुरू में क्वेश्चन आया था तो भी मैंने एक्सप्रेशन लिखवाया था, एक क्वेश्चन भी था इस पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, ई स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी टू पावर फोर। नेक्स्ट, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं आज की क्विज पे। इन द रिलेटिविस्टिक केस ऑल द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अप्रोच द स्पीड ऑफ लाइट, द काइनेटिक एनर्जी अप्रोचेस जीरो। काइनेटिक एनर्जी एज नॉन रिलेटिविस्टिक केस, रेस्ट एंड फाइनाइट। टाइम स्टार्ट हो चुका है और करना स्टार्ट करिए। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, इनफाइनाइट। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो होता है एम सी स्क्वेयर माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर, और एम की जगह आप रख सकते हैं यहाँ पे एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर एम सी स्क्वेयर माइनस एम सी स्क्वेयर। तो जैसे जैसे वी बढ़ेगा वैसे वैसे ये टर्म बढ़ेगी, और हम स्पीड ऑफ लाइट के लिए बराबर कह रहे हैं, तो वी को जब सी रखेंगे तो उस केस में इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा, जो कि मतलब ये है कि वर्क रिक्वायर्ड इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब हम लास्ट में आ गए हैं वीडियो के और यहाँ एंड करते हैं। इसके बाद एक एमसीक्यू का वीडियो और आएगा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का, फिर हम सेमीकंडक्टर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। जो पैरेलल में सीरीज चल रही है वेव ऑप्टिक्स, उसको भी करिए, क्वेश्चंस करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक और कमेंट जो भी डाउट्स हैं वो करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।